हेलो व्हाट्सअप गाइस मैंने इस विनोद पादू थापा एंड टूडेड नोट जे स्कोर मॉडल्स इन हिंदी तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन नोट जेस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर एंड आज मेरा फिफ्थ वीडियो होने जा रहा है इस सीरीज के ऊपर एंड गाइस अगर अभी तक आपने मेरे बाकी के प्रीवियसली वीडियोस को नहीं चेकआउट किए जरूर चेकआउट कीजिए गाइस बहुत और है आपको बहुत मजा आने वाला है और गाइस अब बिना किसी तरीके हम वीडियो को स्टार्ट करते तो आज का हमारा मेन टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज नोट जेस कोर मॉड्यूल जी हाँ गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट जेस के अंदर की व्हाट एग्जैक्टली कोर मॉड्यूल्स इन नोट जेस ठीक है तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कंसिडर्ड मॉड्यूल्स टू बी द सेम एस जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पहला ए सेट ऑफ फंक्शंस यू वॉन्ट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशंस लिटरली डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल था देखो क्या होता है एक्चुअल में कोर मॉड्यूल्स मतलब जब अगर हम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में वर्क करते थे जी हाँ गाइस जब हम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में वर्क करते थे एंड कुछ ऐसे सेटअप एप्लीकेशन जो हमें मालूम है कि अगर हम इस पर कोड करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा वेदर मैं इसका प्लग या इसका लाइब्रेरी अगर यूज करता हूँ या अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करता हूं तो मैं बहुत ईजीली उसको कर सकता हूँ सो इन दैट केस जावस्किप्ट के प्रोजेक्ट में जो जावस्क्रिप्ट लाइब्रेरी हम इंक्लूड कर रहे थे ताकि उसके कुछ सेटअप फंक्शन को हम एक्सेस कर सके एंड अपने प्रोजेक्ट को रन करा सके और बेटर बना सके दैट इज नथिंग बट जावस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में वो आपको एक पावर दे रहा था राइट बट इन आवर केस हम क्या देख रहे हैं हम तो नोट जेस्ट देख रहे हैं अब नोट जेस्ट में क्या हम जावस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी से एड करेंगे नहीं ना सो देर हैजू बी समरनेटिव ना लाइक like जावस्क्रिप्ट में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फंशनलिटी तो अगर लाइब्रेरी से आप प्लग चाहिए तो हमारे पास था जावस्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज भरे पड़े थे एंड अगर आपको डाउट आ रहा है वाट इज जाक्रिप्ट लाइब्रेरीज का इस वीडियो देखिए मैंने बनाया था एनिमेट ऑन स्क्रोल इट मीन जब जब मैं पेज को करूंगा स्क्रोल एक डिप राइट right से आ रहा है दूसरा डिप लेफ्ट से आ रहा है कोई पॉपअप हो रहा है कोई स्लाइड्स हो रहा है तो वो सब एक जावस्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी था जो सिंपली एक लाइन का कोड यू नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने इंक्लूड कर लिया या डाउनलोड कर लिया वो लाइब्रेरी को और सिंपली एक दो क्लास ऐड किया मेरा काम हो गया इतना सिंपल सेम वही जो आपके नोट जो उसको पावर देता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सको लाइक फाइल सिस्टम के साथ आप खेल सको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेटा है उसको आप पा सको सो so गाइस वो पावर आपको देता है मॉड्यूल जी हाँ गाइस तो देखिए सिंपल कोर मॉड्यूल्स मतलब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ फंक्शनैलिटी या अगर आपको कुछ पावर चाहिए इन नोट जेस देन वी हैव अ कोर मॉड्यूल्स एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कोर मॉड्यूल्स इज गाइस कि वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जितने भी कोर मॉड्युल्स है दे ऑल आर अ सेट ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स इट मीन्स आपको यू you नो know, भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पर कि भाई इसका डाउनलोड का लिंक मुझे नहीं मिल रहा कहाँ इसको ढूंढू कुछ नहीं करना है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है हम डायरेक्टली उसको बहुत ईजिली यूज कर सकते विद हेल्प ऑफ रिक्वायर So, I really guys, आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा लेकिन अगर आपको नहीं भी समझाना गाइस कोई बात नहीं क्योंकि थ्योरी में हमें ज्यादा नहीं समझता अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देख एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे what एग्जैक्टली कोर मॉड्यूल्स इज और जो मैं बार बार रहा हूँ कि आपको ये जो कोर मॉड्यूल्स है नोट जिसको वो पावर देता है एंड इट्स अल्टरनेटिव ऑफ योर जावस्क्रिक्प्ट लाइब्रेरीज ठीक है सो देखो गाइस बिना किसी के मैं अपने बी कोड एडिटर पे चलता हूं एंड गाइस आपको याद है प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंपली इंडेक्स डॉट जेस के अंदर हमारा नोट रेपल के ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाया था ठीक है सो ये वही है गाइस मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर चुका अगर आप मेरे साथ साइड बाय साइड करो तो आप भी एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए एंड देन उसमें हमने एक न्यू फाइल क्रिएट किया था जिसका नाम है इंडेक्स डॉट जी एस ठीक है इसको मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए अभी इस फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ चलिए देखिएगा इस तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखता हूँ ठीक है जैसे कॉन्स्ट uh, और नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल सिर्फ चलो थापा लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको सेमी कॉलम दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ डेटिस की स्पेलिंग रॉन्ग था मेरा चलो ठीक है यहाँ पे मैं क्या कर सकता होगा सिंपली कंसोल डॉट लॉग और ये जो मेरा नेम है वो मैं यहाँ पे पेश कर देता हूं ठीक है देखो पहले हम क्या करते थे मैं इसको राइट यू नो इसका मैं पाथ को कॉपी करता था ब्राउजर पे चलता था वहां पे जाके पेश करता था एंड देन रन होता था और मोस्टली कंसोल के लिए हम क्या करते थे इंस्पेक्ट नॉट व्यू पेज हम क्या करते थे इंस्पेक्ट पे चलते थे पे चलते थे यहाँ पे काम करते थे बट नाउ वी आर वर्किंग इन नोट जेसली आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते होल्स कंट्रोल एंड देरी का प्रेस करते आपको टर्मिनल मिल जाता बहुत awesome है समय ठीक है अभी मैं यहाँ पे सी एल एस कर दूंगा सब डिलीट हो जाएगा सो so, गाइस अगर अभी आपको इस फाइल को रन करना हो ना तो कैसे करते देखो गाइस वीनिट टू राइट नोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी फाइल को अगर आपको रन करना हो तो यूनिट टू राइट नोड एंड फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेस एंड बुम गाइस मुझे मेरा नाम मिल गया थापा चलो ठीक है यह औसम awesome था लेकिन गाइस ये ज्यादा यूजफुल नहीं है राइट क्योंकि मतलब क्या ही हमने ये तो नॉर्मल था ये तो हम ब्राउजर में भी कर सकते थे एंड सिंपली कंसोल कर रहे तो जो मैं पावर की बात कर रहा हूं कि हाँ नोट जेस आपको पावर देता है कि अब आप, आप फाइल सिस्टम के साथ खेल सकते हो यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खेल सकते हो सर्वर क्रिएट कर सकते हो वो पावर आपको कौन देता है आपके नोट मॉड्यूल्स राइट आपके कोर मॉड्यूल्स तो हम गैस उसका यूज करते हैं एंड लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग टूडे एंड कुछ मतलब ऑसम awesome करते ठीक है सो गाइस so अब हम फाइल सिस्टम के साथ खेलते हैं सबसे पहले जो देखिए गाइस सिंपली यहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अभी मेरे पास सिर्फ नोट जेस फोल्डर में एक फाइल है जिसका नाम क्या है ऑसम इंडेक्स डॉट जेस फाइल ठीक है इसको मैं हटाता हूँ सबको मैं हटा देता हूँ चलो ये तो नॉर्मल था इतना आपको पता चल ही चुका है बट गाइस जो पावर की मैं बात कर रहा हूं वो हम कैसे कर सकते हैं एंड वट एग्जैक्टली कोर मॉड्यूल्स इज राइट सो देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें सिंपली एक फाइल रीड करने की कोशिश करता हूं ठीक है पावर को यूज करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को एक बार ब्राउजर पे लेके जाना चाहूंगा एंड यहाँ पे एग्जैक्टली exactly आपको बताना चाहूंगा कि गाइस हम क्या देखने वाले है? आज हम फाइल सिस्टम के साथ खेलने वाले ठीक है थीके? आपको नोट जेस डॉट ऑग पे जाना सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो डी ओ सी एस डॉक्यूमेंट्स हम किस पे वर्क करें हमारे देखियो लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये मेरा वर्जन है आपका जो भी आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड का जो गाइस आपका यू नो नैब है वहाँ पे आप आइए एंड हेर आपको मिलेगा कुछ फाइल सिस्टम एप होता है वो वी so है ना awesome, ये आपका एक कोर मॉड्यूल्स है and थोड़ा सा अगर मैं नीचे कितना ऑसम होगा आप खुद गाइस अगर मैं डायरेक्टली कोड लिखू और मेरे फोल्डर पर ऑटोमेटिक एक फाइल क्रिएट हो जाए मतलब ये असम awesome हम जावस्क्रिप्ट में नहीं कर सकते थे ये राइट तो वो हम कैसे कर सकते देखो अगर मैं आपको लेके चलू सो so, एंड हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो थोड़ी देर बाद अभी फिलहाल रहने देते चलो देखिए यहां पे आप देख सकते हो गई रीड फाइल अगर फाइल को रीड करना हो एंड देन सेम वी हैव राइट फाइल ऑल्सो होगा इधर ये देखिए इस वी हैव अ वॉच फाइल नहीं राइट फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो राइट फाइल ठीक है या राइट फाइल सिंक एंड देन राइट फाइल हाँ इसी की मैं बात कर करता हूं थोड़ी देर पहले दैट इज वी हैव अ सिंक्रोनस वर्जन एंड देन ए सिंक्रोनस वर्जन एंड हमें मालूम है एंड वी ऑल नो गाइस नोट जस्ट फेमस हमें बिकॉज ऑफ ए संक्रोनस वर्जन ठीक है version, लेकिन फिर भी हम पहले यह देखेंगे कि सिंक्रोनसली हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक ये वाला पार्ट आप देख सकते हो ठीक है एंड बेस्ट पार्ट ये गाइस अगर हम नोट जेस पे चलते हैं यू नो एंड मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं सो so, देखिए अगर मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूंगा मैंने आपको बता दिया हेयर वी हैव दिस आप देख सकते हो क्या ये हमारे पास एक मेथड है एफ एस के अंदर ये जो एफ एस ना गाइस दिस इज नथिंग बट योर कोर मॉड्यूल्स ठीक है सो देखिए गाइस जब हम जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज इंक्लूड करते थे हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में तो हम उसका सीडेन लिंक या फाइल डाउनलोड करते थे राइट लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे आपके जितने भी मॉड्यूल्स है नोट जिसमें सब कुछ बिल्टिन है तो आपको अगर उस बिल्टिन मॉड्यूल्स को यूज करना है सो यू नीट टू रिक्वायर डैट मॉड्यूल्स इन योर प्रोजेक्ट कैसे देखो मैं क्या करता हूँ गाइस सिंपली मैं लिखता हूँ रिक्वायर की आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर एंड देन सिंपली गाइस आपको पैरेंथिसिस लिखना है आपको सिंगल कोड देना है एफ एंड देन एस दिस इज इट गाइस ये हमारा पहला कोर मॉड्यूल्स है जो आज आप देखने वाले हो डेट इज योर फाइल सिस्टम जिसका शॉर्ट है एफ एस ये हमारा मॉड्यूल्स ऑल राइट गैस आप देख सकते हो मॉड्यूल दिखा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो मैंने तो लिखा भी नहीं ऑटोमेटिक बता रहा है सो दिस इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल्स एंड जब आपने मॉड्यूल्स को कर लिया रिक्वायर अब आप उसकी जितने भी फंक्शनैलिटीज है उसकी जितने भी मेथड है जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको आप जरूर यूज करना चाहोगे है कि नहीं राइट right? तो उसको हम गैस स्टोर करते हैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल पे एंड जिसका नाम हम दे देंगे एफ एस

एंड देखो पे फाइल सिंक मैंने अभी आपको बताया था फाइल सिंक ये वही है यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है राइट एफ आई एल ई एंड कैमल केस यूज हो रहा है यहां पे आपको लिख देना है राइट फाइल सिंक्रोनस वर्जन है सिंक्रोनस मतलब आपको मालूम है ना गाइस अगर आप होटल पे जाते हो एंड अगर एक के साथ दो कस्टमर आ गए एंड अगर आपने सबसे पहले जाके जो फर्स्ट कस्टमर था उसका ऑर्डर लिया आपने राइट फिर आपने क्या किया कि उस ऑर्डर को गाइस किचन में पास किया एंड आप गाइस वहीं पर ही वेट करोगे जब तक वो कुक उस खाने को बना के रेडी नहीं करता है एंड देन जब वो खाना बन के रेडी देन आप फर्स्ट कस्टमर को सर्व करोगे तब जाके आप सेकेंड कस्टमर के पास जा रहे हो गाइस ये बहुत ही लेंदी एंड बिल्कुल भी सही काम नहीं रहता ये क्योंकि जब तक खाना बन रहा था आप सेकंड कस्टमर का ऑर्डर ले सकते थे लेकिन सिंक्रोनस में वो नहीं होता है लेकिन फिर भी गाइस हमें समझना पड़ेगा कि सिंक्रोनस किस तरीके से वर्क करता है एंड देन हम ए सिंक्रोनस वर्जन समझेंगे राइट right? तो देखिए आई होप आप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज सिंक्रोनस वर्जन तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे दे देना एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव अ पाथ राइट एंड देन वी हैव दिस डेटा एंड कह पाथ का मतलब क्या होता है हम क्या कर रहे हो राइट कर रहे हैं ना इट मीन हमें कुछ लिखना है सो कह अगर आप कुछ ऐसा फाइल का नाम ऐड कर रहे हो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस फाइल पे वो आप जो भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है डेटा वो ऐड कर देगा जो भी आप ऐड करने वाले हो लेकिन अगर आप कुछ ऐसा फाइल का नाम दे देते हो जो नहीं है प्रेजेंट तो कह फर्स्ट वो क्रिएट हो जाएगा एंड देन उसका डेटा आप जो भी लिखोगे वो उस पर ऐड हो जाएगा तो वही आज हमें चाहिए ठीक है तो मैं चलता हूँ देखोग बहुत सिंपली आपको डबल कोट्स देना है तो सिंपली क्या

इंडेक्स यू नो एंड मैंने लिखा डॉट जे एस सो थ्री टू वन एंड बुम गाइस एंड बुम देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रीड डॉट टी एक्स टी यहां पर हमें कुछ नहीं आया क्योंकि हम कंसोल तो कुछ कर नहीं रहे थे नहीं मैंने यहाँ पे कुछ दिया था बट मैंने बस इतना बोला कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है तो ये डेटा उस पर एड कर दो अगर ये फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो पहले आप क्रिएट करो एंड देन ये डेटा उस पर ऐड करो एंड गाइस ये एग्जिस्ट नहीं करता था एंड वो गाइस देखिए वेलकम टू माय चैनल मतलब कितना औसम awesome है गाइस अब आप यू नो फाइल सिस्टम के साथ खेल सकते हो ये तो हमारा पहला काम हो गया जहाँ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल सिंपली गाइस हमने क्या किया एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया चलो ठीक है वंस जब आप उस फाइल को क्रिएट करते हो गाइस हमें सेम ये जो कोड है राइट इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ एंड मैं वापस पेस्ट करना चाहूंगा एंड सेम वही फाइल का नाम मैंने दे दिया क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी कि अग्गा वेलकम टू माई चैनल एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से थापा टेक्निकल ठीक है कि थापा टेक्निकल मैं बाद में नहीं पहले ऐड कर देता हूं टेक्निकल कॉमा एंड देन वेलकम टू माय चैनल ये देखने के लिए कि वापस अगर मैं सेम फाइल पे वो वो मेथड अगर मैं फायर करता हूं तो क्या वो जो मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है आई मीन ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट है उसको वो ओवर करता है या उसके बाद आई I मीन mean, स्पेस देके उसके बाद ये एक्स्ट्रा मेरा जो कोड है वो ऐड हो जाएगा वो हमें देखना है राइट अभी हमें नहीं मालूम गाइस क्या हो रहा है अभी फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये तो ऑलरेडी काम हो चुका है अभी मुझे सिर्फ वापस सेम कोड लेकिन मैंने थापा टेक्निकल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया राइट अब मैं वापस यहां पर चलता हूं गाइस आप अप एरो को टैप करोगे तो ऑटोमेटिक प्रीवियस कमांड आपका आ जाता है एंड मैं एंटर हिट करता हूं देखो गाइस दिस टाइम रेड डॉट टी एक्स टी फाइल वापस से क्रिएट नहीं हुआ सबसे पहली बात तो हमें यह देखना था वापस हमें यह देखना है क्या हमारा जो डेटा है वो वेलकम टू माई चैनल फिर स्पेस देन थापा टेक्निकल कॉमा वेलकम टू माई चैनल हुआ या क्या हुआ राइट सो so, इम्तिहान की घड़ी एंड ऑल आट गाइस तो आपने देखा क्या हुआ जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको उन्होंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया एंड जो डेटा आपने वापस से लिखा उसने वो ऐड कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जो राइट फाइल सिंक है जब आप इस मेथड का कॉल करते हो तो आई I मीन mean, इस मेथड का जब आप यूज करते हो तो क्या होता है जब भी आप इसका यूज़ करोगे तो ये देखना है कि जो फाइल अगर प्रेजेंट नहीं हो तो क्रिएट हो जाता है इफ़ इट इज़ प्रेजेंट डेटा ओवर हो जाता है सिंपल चलो ठीक है हमारा दो काम हो गया राइट इतना मेरा सिंपल काम हो चुका है अभी इस मुझे क्या करना है नाउ गाइस अब हमें ये देखते हैं कि ठीक है अगर मुझे ऐसा केस आ गया कि एक फाइल है जिसके अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है बट उसके बाद वापस उसी फाइल में मुझे कुछ और डेटा एक्स्ट्रा ऐड करना है लाइक वेलकम टू माई चैनल हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू मतलब मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों बोला लेकिन चलो कोई नहीं अच्छा लगा मुझे ये सुन के बट मैंने बस बोल दिया आई एम फाइन थैंक यू एंड हाँ ये तो बताना भूल गया टू लैक सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है राइट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी चलो ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ कि गाइस मुझे ओवर नहीं करना मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है सो so है उसके बाद मुझे ये चाहिए हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू राइट तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ देखो गाइस अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ मैंने कॉपी किया हुआ है इसको ठीक है आप देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं है सो so, मैं वापस आपको लेके चलता हूं एंड देखो गाइस आपको मालूम है जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कुछ चीज़ ऐड करना हो एक के बाद एक यू नो सिंपली एरे हो या कहीं पे भी हो तो हमारे पास एक अपेंड करके हमने जरूर सुना है राइट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो ऐड जरूर है आई मीन मतलब कहीं ना कहीं हमें मालूम है वो याद जरूर है सो एफ एस डॉट अगर मैं लिखना चाहूँ ए डबल पी एंड ऑल राइट गाइज देखो वी हैव अगेन मतलब कितना सिंपल है ये एफ एंड फाइल एंड देन एपेंड फाइल सिंक्रोनस विदाउट सिंक मतलब वो ए संक्रोनस है एंड ये जो सिंक है वो सिंक्रोनस वर्जन है फिलहाल अभी हम सिंक्रोनस देख रहे हैं ठीक है सो so, कैसे आप टॉप पे देख सकते हो यू नो ये जो फंक्शन है एफ एंड फाइल सिंक वहां पे बहुत क्लियरली देख सकते हो हमारा सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आपका फाइल है कि आपको किस फाइल पे वो डेटा को अपेंड करवाना है एंड देन आपको डेटा लिखना है सिंपल सेम वही है सो so, वापस मुझे चलना है रीड डॉट टी एक्स फाइल पे वहाँ पे मुझे ये वाला जो डेटा है वो मुझे अपेंड करना है हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू एक स्पेस जरूर दे दीजिए ताकि वहाँ पे स्पेस मिले मुझे राइट एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ देखो गाइस इतना सिंपल है एंड सेम अगेन नोट एंड देन आपका फाइल का नाम एंड देन एंटर मैंने हिट कर दिया गाइस देखो कुछ नहीं हुआ लेकिन दी मोमेंट मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस देखिए हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू मतलब कैसा लगा आपको ये मतलब है ना ये ऑसम एकदम सो गाइस हमने देखा कि फाइल कैसे क्रिएट करना है उस पर राइट कैसे करना है एंड देन हमने देखा कि उस पर और एक्स्ट्रा डेटा जितने भी उसको अपेंड कैसे करवाना है राइट तो इतना मेरा काम हो गया है इसको मैं हटाता हूँ सो so गैस हमने ऑलमोस्ट मतलब बहुत कुछ तो देख लिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था नाउ लेट्स गैस कि अगर मुझे इस फाइल के अंदर क्या डेटा लिखा था वो मुझे अगर रीड करना हो तो मैं कैसे रीड करूँगा मतलब मैं तो इंडेक्स डॉट जेस के अंदर हूँ मुझे लेकिन दूसरे फाइल के डेटा को अगर रीड करना रहा तो मतलब ये अगेन गाइस ये भी हम जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते थे बट हम नोट में इसको भी कर सकते सो दिस इज योर मॉड्यूल्स गाइस अगर आप मॉड्यूल्स को सिंपली रिक्वायर कर लेते हो तो उस मॉड्यूल्स के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके है कि नहीं और awesome समय ये सो देखो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर मैं आपको लेके चलूँ सो so गाइस इतना आपको याद रखना है कि अगर आपको रीड करना हो राइट right, तो आप एटलीस्ट हम कौ, इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते कि एफ एस ए मॉड्यूल हमें इंक्लूड करना ही है देन डॉट हमें उसके मेथड को यूज करना ही है अगर हमें कुछ चीज अगर रीड करना हो तो हम क्या बोलेंगे भाई इसको रीड कर राइट right, तो ट्राई करते आर ई ए डी ऑल राइट गाइस यही तो मुझे चाहिए देखो फाइल आ गया सेम राइट फाइल राइट फाइल सिंग लेकिन हमें रीड करना है एंड हम सिंक्रोनस वर्जन देख रहे सो वी विल गो रीड फाइल सिंग सिंपल ठीक है अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए जहां पे आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है सिंपली एक पाथ दिखा रहा है एंड उसके बाद कुछ नहीं डेटा इसमें नहीं है डायरेक्टली वी हैव ऑप्शन ठीक है मैं आपको बताता हूँ इस देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली अगर आपको कुछ भी रीड करना हो तो डायरेक्टली क्या करना है सिंपली उस फाइल का नाम दे दीजिए मतलब इतना ज्यादा सिंपल है रीड डॉट टी एक्स टी सिंपल राइट अब मुझे क्या करना है गाइस एक काम मैं करता हूं कि कॉन्स्ट डेटा uh, इक्वल टू एक काम करता हूँ इसको मैं लिख देता हूँ बी यू एफ अंडर डेटा लिख देता हूँ आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा है एंड देन सिंपली ये जो भी चीज़ है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इस लाइन को फिलहाल मैं हटा देता हूँ ठीक है इस तरीके से मैंने लिखा कंटोलाइट सेव करता हूँ एंड ये जो मेरा डेटा है बेसिकली कंसोल का इसमें उसको दिखाना चाहूँगा सो कंसोल डॉट लॉग बी यू एफिस एंड आई डोंट नो कैसे ऑटोमेटिक सजेशन क्यों नहीं आया चलो कोई बात नहीं मैं चलता हूँ इतना मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को कैसे ध्यान से देखना है हमारे इस कंसोल पे अगर मैं लिखता हूँ नोट इंडेक्स डॉट जे एस एंड एंटर हिट करता बुम गैस ये देखो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए पेश कर देता हूँ इस तरीके से सो so, गैस अब आप देख सकते हो कि मैंने क्यों ये यू नो कांस्टेंट जो मतलब मेरा जो वेरिएबल था आपका उसका नाम मैंने क्यों बफ अंडरस्कोर डेटा लिखा सो so, गाइस आप देख सकते हो कि मुझे ये बफर डेटा मिला सो so, मैं आपको एक एक सेकेंड ना आप देख सकते हो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से एंड इसको कमेंट कर देता हूँ अब आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि नोट जेस्ट इंक्लूड वन एडिशनल डेटा टाइप कॉल्ड बफर जी हाँ गाइस नोट जेस्ट में एक एडिशनल डेटा टाइप है हमारे पास जिसका नाम है बफर जो कि जासकिट में अवेलेबल नहीं है सो गाइस अगेन आज इस वीडियो से आपको एक आ, ये चीज को याद रखना है कि इन नोट जस्ट वी हैव एन एडिशनल डेटा टाइप जिसका नाम है बफर एंड वो बफर क्या काम आता है बोलने से इट इज मेनली यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा बफर काम में आता है बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए वाइल रीडिंग फ्रॉम अ फाइल हम क्या कर रहे हैं हम फाइल से डेटा को रेडी तो कर रहे हैं डेट्स वाई हमें ये बफर डेटा मिला वाइल रीडिंग फ्रॉम अ फाइल और रिसीविंग पैकेट्स ओवर दी नेटवर्क अभी हम नेटवर्क के साथ कुछ कर नहीं रहे बट हाँ हम फाइल को रीड जरूर कर रहे हैं एंड डैट्स वाई गाइस हमें बफर मिला और वो हमें मिलता ही है ये बाई डिफॉल्ट एक फंक्शनैलिटी है जो हमें मिलना ही मिलना है मतलब जब भी आप फाइल को रीड करोगे सो गाइस हमें बफर डेटा मिलता है इसका एक और तरीका जिससे हमें बफर नहीं डायरेक्टली हमें डेटा मिल जाए वो लेकिन हम आगे देखेंगे बट फिलहाल ये इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को ये देखना कि जब आप फाइल को रीड करने जाओगे तो ये डेटा आता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस आपने इतना कुछ कर भी लिया राइट right? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल था ये रीड फाइल सिंक एंड आपने यू नो सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर किया ये देखने के लिए कि डेटा को मैं रीड करूंगा लेकिन ऐसा डेटा जब आपको दिखेगा आप बोलेंगे ओ माय गॉड यार ये क्या चीज़ आई है थोड़ा सा टेंशन आ जाता है लेकिन ये मैंने बताया कि क्या इसे नॉर्मल बिहेवियर ये आता ही आता है आप यहाँ पे देख ही सकते हो फाइल को रीड करते टाइम ये आता है सो so, अब इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं क्या इट्स सुपर डुपर ईजी ठीक है अभी मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ एंड डोंट ड गाइस मैं नीचे फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ये सब नोट्स अभी ये जो डेटा है इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी मुझे सिंपली क्या करना है ये जो भी मेरा डेटा था ना मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ नाउ मैं अब यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ ओरिजिनल अंडस्को डेटा विल बी इक्वल टू आपका ये जो बफ जो डेटा था उसमें अब आप आपको एक मेथड कॉल करना है डेट इज कि ये जो भी हमने लिखा ये सिंपली एक स्ट्रिंग है ना तो मुझे इस डेटा को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा कन्वर्ट टू स्ट्रिंग एंड दिस इज इट इतना सिंपल नाउ इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे पेश करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ गाइस ये जो भी मैंने लिखा है वफ उसके बदले मैं इसको पेश कर देता हूँ दिस इज इट अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ऊपर लेके चलता हूँ इसको और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ अब वापस मैं अगर लिखूँ इंडेक्स राइट एंड देन नॉट इंडेक्स नोट तो लिखा नहीं सो नोट इंडेक्स डॉट जेस एंड बूम गाइस देखो एक सेकेंड नोट की स्पेलिंग रॉन्ग मैं वापस चलता हूँ अब एकदम स्पेलिंग से ये इंडेक्स डॉट जेस एंड बूम बुंगाइस देखो थापा टेक्निकल वेलकम टू माई चैनल हवाई यू आई एम फाइन थैंक यू मतलब गाइस ये कितना औसम awesome है कि अब हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं उस पर डेटा ऐड कर सकते हैं डेटा अपेंड कर सकते हैं उस फाइल पे क्या लिखा था उसको भी हम दूसरे फाइल की मदद से भी उसको हम देख सकते हैं आई मीन रीड कर सकते हैं सो गाइस ये है ना ऑसम awesome गाइस है कि नहीं फिर भी गाइस वीडियो को एंड करने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा लेट्स सी आपको याद है नहीं यार मुझे रीड नहीं चाहिए मुझे इस पर रीड राइट नाम देना है क्योंकि हम रीड भी कर रहे हैं राइट भी कर रहे हैं ना तो गाइस देखो वो भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं इसको भी मैं आप कमेंट आउट कर देता हूँ टू रीनेम द फाइल कैसे कर सकते देखोगे सिंपली इट्स अगेन बहुत सिंपल राइट right? अगर आपको फाइल को रीनेम करना हो तो मैं क्या करूंगा देखोगली एफ एस डॉट लेट सी कुछ रीनेम करके है ऑल राइट गाइस देखो मतलब इतना सिंपल है यार मतलब रीनेम बोला तो ऑटोमेटिक रीनेम आ रहा है एंड आपको मालूम है कि जब भी आप रीनेम करोगे तो एटलीस्ट आपको ओल्ड पाथ आप यहां पर देखिएगा ओल्ड पाथ एंड देन न्यू पाथ आपको देना है, बीच में कॉमा मतलब आपका जो फाइल है जिसको आप रीनेम करना चाहते हो एंड देन आप उसका क्या नया नाम देना चाहते वो आपको यहाँ पे बताना तो सिंपली देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरा जो ओल्ड था दैट इज रीड डॉट टी एक्स टी राइट कॉमा एंड मेरा जो न्यू नाम होगा वो होगा आपका रीड राइट डॉट टी एक्स टी सिंपल सिंपल इतना अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस आप एरो एंड बुम गाइस अब आप यहां पे देखिए रीड राइट डॉट टी एक्स टी मतलब कितना ऑसम था ये मतलब मजा आ गया है कि नहीं गाइस सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आप really आपको बहुत पसंद आएगा सो गाइस मैं चाहूंगा कि एज अ चैलेंज या एज अ प्रैक्टिस गाइस आप खुद से ट्राई कीजिए आप अपना खुद का फाइल क्रिएट कीजिए उस उसको रीड कीजिए so वीडियो, really वीडियो बहुत पसंद आएगा बताना चाहूंगा गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था क्योंकि गाइस इसका बहुत यूज आने वाला आगे हमारे मेन प्रोजेक्ट में सो so, बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक इंस्टा ट्विटर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम awesome वीडियोज़ को मिस ना करें एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल देन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर